कबीर सिंह इज वन ऑफ द बेस्ट रीमेक बॉलीवुड हैज एवर मेड। कैसे हुआ तुम इतना जरूरी, कैसे हुआ? जो बहुत ही ज्यादा मूवी फैन होंगे उनको पता होगा कि बॉलीवुड में कितनी सारी मूवीज जो है वो रीमेक बनती हैं। बट मोस्ट प्रोबेबली ये होता है कि जैसे तेलुगु वर्जन जो होगी या वो जो भी ओरिजिनल वर्जन होगी उसका डायरेक्टर कोई और होता है और जो बॉलीवुड वर्जन का डायरेक्टर कोई और होता है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं देखा गया, यहाँ पे जो दोनों मूवीज़ के डायरेक्टर थे वो सेम थे, संदीप बंगा थे, और यहाँ पे जो है दोनों की दोनों बहुत ही शानदार मूवीज़ बन के आई हैं। तेलुगु मूवी तो वैसे ही सुपर हिट गई थी और कबीर सिंह भी जो है वो पूरी तरीके से सुपर हिट के लेवल पर जाने वाली है। जब आप कबीर सिंह को देखते हो ना तो आपको ऐसा लगता है कि इसमें काफ़ी सारे पार्ट्स ऐसे थोड़े से ज़्यादा स्लो मोशन में लाए गए हैं या थोड़े थोड़े पार्ट्स को एक्सटेंड किया गया है या कुछ ना कुछ क्रिस्पीनेस और लाई गई है जो संदीप बंगा शायद चाहते थे कि वो अर्जुन में लाना चाहते थे और वो सारी चीजें और लाई गई हैं। और साथ में इस पार्ट में सॉन्ग्स का भी काफी ज्यादा यूज किया गया है, जिसमें आपको पता होगा 5 से 6 सॉन्ग इस वर्जन में यूज किया है हिंदी वर्जन में। वैसे सारे के सारे जो इस मूवी में सॉन्ग यूज किए हैं सबके सब ब्लॉकबस्टर है। बेख्याली हो गया, कैसे हुआ हो गया, सारे के सारे जो सॉन्ग है वो बिल्कुल ब्लॉकबस्टर है और उसी के साथ मूवी जो है बहुत ही फ्लोइंग लगती है और बहुत अच्छी लगती है। चढ़ना है जरूरी ये सवाल आए। बट उसमें भी कहीं ना कहीं आपको थोड़ी अर्जुन रेड्डी की याद आती रहती है कि यार उसमें किस तरीके से बिना सॉन्ग की चीज़ें की गई थी और वो थोड़ी सी रॉ लग रही थी और वो बहुत अच्छी लग रही थी। और यहाँ पे थोड़ा सा सिनेमैटिकली उसको और इनहांस किया गया, जो आप बहुत सारी जो चीज़ें आपने देखी होंगी उसको आपको लगेगा कि हाँ सिनेमैटिकली इनहांस किया गया बिकॉज बजट बढ़ गया है। आपको अगर पता होगा भद्रकाली पिक्चर्स जिन्होंने अर्जुन रेड्डी को बनाया था तो वो बहुत ही स्ट्रगल के बाद वो मूवी बनी थी और उसका बजट कोई इतना हाई नहीं था और ये तो बहुत ही अच्छे बजट से फिल्म बन रही है, तो वो आपको डिफरेंस पता लगता है। बट ये वो रॉनेस जो थी ना वो अर्जुन रेड्डी में फिर भी स्टैंड आउट कर पाती है। और अब आ जाते हैं इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस के ऊपर, उसमें शाहिद की पहले तारीफ करनी पड़ेगी। वो कबीर सिंह के रोल में बिल्कुल नेल कर लेते हैं। जैसे हैदर के रोल में उन्होंने वो जो काइंड ऑफ थोड़ा पागल सा संकी आदमी था उसका रोल निभाया था, और एक जो ड्रग एडिक्ट का रोल उन्होंने उड़ता पंजाब में निभाया था, तो यहाँ पे वो आदमी जो है ड्रग एडिक्ट भी है, पागल भी है और उसको एंगर मैनेजमेंट इश्यूज भी होते हैं, तो ये रोल भी बहुत ही शानदार तरीके से शाहिद ने निभाया। आप जब भी शाहिद के वो एंट्री सीक्वेंसेस आते हैं या जब भी शाहिद के फाइट सीक्वेंसेस आते हैं ना मूवी के अंदर, आपका मन करता है आप जोरदार उनको हूट करो, उनको सेलिब्रेट करो। और साथ में ज्यादा कियारा आडवाणी की बात करनी होगी तो वो बहुत ही सटल लगती है, और जैसा आप चाहते हो जो आप अर्जुन रेड्डी जिन्होंने देखी होगी वो जरूर चाहते हैं कि वो एकदम सटल लुक रहे, मेंटेन रहे, और एकदम बोलते हैं क्यूट चेहरा जो बिल्कुल फ्लो करता रहे, वो वैसी पूरी चार्मिंग फेस वो मेंटेन करके रखती है कियारा आडवाणी और बहुत ही अच्छी लगती है। और साथ में इन दोनों के अलावा सोम मजुमदार जो है वो शाइन आउट करते हैं इस मूवी में इन दोनों के साथ साथ, क्योंकि वो जो है शिवा का रोल प्ले करते हैं जो अर्जुन रेड्डी या फिर जो आप कह सकते हो सॉरी कबीर सिंह का दोस्त होता है, तो वो बहुत ही अच्छा रोल निभाते हैं और कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ ह्यूमर लेके आते रहते हैं और काफ़ी हद तक सीख लेके आते हैं कबीर सिंह के लिए, जो उनको बहुत ज़रूरी होते हैं, और वो एक फ्रेंड हमेशा होता है और उसका रोल वो निभाते हैं और बहुत अच्छी तरीके से निभाते हैं। बाकी इस फिल्म की बात करें तो ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि जैसा अर्जुन रेड्डी ने काफ़ी सारे सीन्स के अंदर जो क्लाइमैक्स सीन हो गया या फिर जो मिडिवल में एक सीन आया था उन सीन्स के अंदर जो ग्रिप बनाई थी वो शायद थोड़ी सी ग्रिप कम बना पाता है, जबकि ये भी बहुत इमोशनल सीन होते हैं। जब भी वो सीन्स आते हैं आपको बहुत इमोशनल फील होता है और सिमिलरली आपको बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे कबीर सिंह के अंदर, पर कबीर सिंह कहीं ना कहीं उतनी ग्रिप आपके ऊपर नहीं बना पाता जिस तरीके से अर्जुन रेड्डी ने बनाई थी, तो उसी वजह से हम थोड़े से इसके पॉइंट्स काट रहे हैं। बाकी हम इसको देते हैं 3.5 out of 5 stars। आपको इसको जरूर देखने जाना चाहिए, बट साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको मेरे को पूछोगे तो आपकी इन दोनों में से फेवरेट मूवी कौन सी थी, तो मेरी फेवरेट थी अर्जुन रेड्डी। तुझे कितना चाहने लगे हम तेरे साथ।